हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो दो जगहों की वैकेंसीज हैं इस वीडियो में जो हमने कवर करी है। एक तो सैनिक स्कूल में कुछ पोजीशंस आई हुई हैं कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर, लेकिन वहाँ जो सैलरी है वो TGT की अप्रॉक्सीमेटली 57,472 है। और एक और स्कूल है, वहाँ पे हेड मिस्ट्रेस के लिए पोजीशंस आई हुई है। तो सैलरी प्लस हाउसिंग दोनों ही जगहों पर प्रोवाइड कराया जाएगा, एकोमोडेशन और बाकी जो फैसिलिटीज होती है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप क्वालिफाइड हैं और ये आपको रेलेवेंट है तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में कवर करी गई है। आप लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर लें, क्योंकि अलग अलग जगहों की बहुत सारी वैकेंसीज हम इसके थ्रू आपके साथ शेयर कर रहे हैं डेली बेसिस पर। और हजारों स्कूलों की वैकेंसीज आपके साथ आज तक शेयर करी होंगी और आगे भी करते रहेंगे। ये वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन है, वो आपने प्रेस करना होता है। तो आइए इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सैनिक स्कूल का एडवर्टीजमेंट है जो हमने उनकी वेबसाइट से ओपन करा हुआ है। जो वैकेंसीज यहाँ पे हैं आप देख सकते हैं, एक तो TGT के लिए पोजिशन है हिंदी सब्जेक्ट में, एक वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल, 21 to 35 ईयर्स एज लिमिट है और जनरल कैटेगरी में ये वैकेंसी है। दूसरी वैकेंसी काउंसलर के लिए है, एक पोजीशन है कॉन्ट्रेक्चुअल 21 to 35 जनरल कैटेगरी के लिए। तीसरी जो वैकेंसी है वो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए है, एक पोजीशन ओपन है 21 to 35 एज लिमिट और ये SC/ST कैटेगरी के लिए है। फिर एक पोजीशन है बैंड मास्टर के लिए, वार्डन के लिए दो पोजीशन ओपन है, मेल वार्डन की उनको रिक्वायरमेंट है और ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है, 18 to 50 ईयर्स एज लिमिट है, SC/ST और जनरल कैटेगरी के लिए है। और चार वैकेंसीज हैं जनरल एम्प्लॉयज के लिए जो कि रेगुलर पोजीशंस हैं। तो ये सारी वैकेंसीज ओपन है सैनिक स्कूल में। TGT हिंदी की क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी होनी चाहिए या फिर BA/ED आपने करा हो और साथ में BEd आपने करा हो, और उसके अलावा आपने CTET या फिर स्टेट गवर्नमेंट का TET क्लियर करा हो। दूसरी जो वैकेंसी है वो काउंसलर के लिए थी, उसमें ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में मांगा है और इंग्लिश मीडियम स्कूल में काउंसलिंग का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट 2 साल का ट्रेड सर्टिफिकेट किसी ITI से आपने करा हो और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का अनुभव आपको होना चाहिए। तो जो ये तीनों ही वैकेंसीज के लिए आपको इंग्लिश मीडियम में इन्होंने टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है और बाकी गेम्स स्पोर्ट्स में प्रोफिशिएंसी होना भी एडिशनल क्वालिफिकेशन रहेगा। बैंड मास्टर के लिए जो पोजीशन है उसमें इन्होंने डिटेल्स दी गई हैं, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस एज अ बैंड मास्टर लिखा हुआ है और बाकी एडिशनल क्वालिफिकेशन इसमें दिए हैं जो कि रेजिडेंशियल स्कूल में अगर आपने करा हो, क्योंकि सैनिक स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं तो फिर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। वार्डन्स के लिए भी पोजीशंस ओपन है। ये सारी वैकेंसीज है सैनिक स्कूल कोडागू में जो कि कर्नाटका में पड़ता है। और आप जैसा कि आप जानते होंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं सारे सैनिक स्कूल्स और उसी के अंतर्गत ये कोडागू कर्नाटका का स्कूल भी आता है। सैलरीज आप देख सकते हैं, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है TGT की सैलरी जो है वो 57,472 रुपये 57,742 रुपीज़ होती है और काउंसलर के लिए भी 57,472 सैलरी पे करी जाएगी। इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है बट सैलरीज ऑब्वियसली जो उनका पे स्केल है उसके हिसाब से दिया जाएगा। 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है और जनरल एम्प्लॉय के लिए 18,000 रुपये बेसिक पे है और बाकी बेनिफिट्स इसमें रहेंगे। उसके अलावा आपको जो है रेंट फ्री एकोमोडेशन जो कि DA है, HRA है, मेडिकल अलाउंसेस है, ग्रेच्युटी है, वो भी आपको दिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है सैनिक स्कूल kodagu.edu.in, उसके वहां से आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और आपने फिजिकल फॉर्म में ये भेजना होगा। एक एनवलप पे आपने इनका एड्रेस लिखना है पूरा, 25 रुपए का स्टाम्प पेपर उसके ऊपर लगाना है, 400 रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट भी आपने लगाना है द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कोडागू के नाम से, और फिर आपने वो इनको भेज देना है
अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 400 रुपये एप्लीकेशन फीस है, SC ST कैटेगरी के लिए 250 रुपये है। लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2021। आपके पास टाइम है, आज 29 तारीख है, 29 सितंबर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो अगर ये वैकेंसीज आपको सूट करती है, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट नीचे की तरफ दिया हुआ है इसी एप्लीकेशन इसी वेबसाइट पे, तो वेबसाइट जैसे ही आप खोलेंगे सैनिक स्कूल कोडागू .edu.in, यहाँ पे आपको ये स्क्रोल करते हुए मिल जाएगा जो इनका नोटिफिकेशन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो हमने अभी आपको दिखाया ये एडवर्टीजमेंट जो है, जो इनका नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। क्वालिफाइड है तो जरूर अप्लाई करें। एक और स्कूल है जहाँ पे हेडमिस्ट्रेस के लिए वैकेंसी है, उसकी डिटेल्स आपको दिखाता हूँ। दूसरी जो वैकेंसी है वो बेसिकली हेडमिस्ट्रेस के लिए है, फीमेल कैंडिडेट की उनको रिक्वायरमेंट है, और एकेडमिक में एक ही वैकेंसी ओपन है, 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है और फीमेल कैंडिडेट इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है, तो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो। उसके अलावा मार्केटिंग हेड और एडमिशन हेड के लिए वैकेंसी है, 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ऑन कैंपस एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाएगा अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट हैं तो, और अगर आप लोकल कैंडिडेट हैं तो ऑब्वियसली आप रुकना भी पसंद नहीं करेंगे और ना वो प्रोवाइड कराएंगे। अप्लाई, ये स्कूल है गेटवे इंटरनेशनल स्कूल, और गेटवे इंटरनेशनल स्कूल है, अगर आपने अप्लाई करना है तो ये इनका ईमेल आईडी है careers.gis@gateway.edu.in। ये आज ही के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, 29 सितंबर को, इन्होंने 10 डेज लिखा हुआ है, तो आप 8-9 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, बट जितना जल्दी हो सके आप इसमें अप्लाई करें अगर आप क्वालिफाइड हैं तो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने नहीं मेंशन करी है, बट 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें अप्लाई करने के लिए। सो होपफुली इट विल बी यू यूजफुल फॉर यू। जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने नेटवर्क में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल अगेन कम बैक टू यू विद मोर वैकेंसीज।